हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिजनेस की टुवर्ड्स द वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड क्यों बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि एक बिजनेस जो है वो किस तरह से लीड रोल प्ले कर सकता है इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। व्हाट आर द स्पेसिफिक स्टेप्स दैट कैन बी टेकन बाय एवरी बिजनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। बच्चों, आप सब कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और आप फ्यूचर में डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे या जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है अपने पेरेंट्स का उसको चलाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो टॉपिक्स अभी हम कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को बच्चों आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। फ्यूचर में आप किसी भी तरह का बिजनेस करें, अपना बिजनेस करें या किसी और के बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, तो आप अगर फ्रॉम द बिगिनिंग इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आप ना कि एक अच्छे सिटीजन्स बनेंगे बल्कि बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन भी बनेंगे। तो इस होप के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, द रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट दिस रोल। छोटा सा टॉपिक है बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि बिजनेस कैन टेक द लीड इन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग सम स्पेसिफिक स्टेप्स। देखो बच्चों, सिर्फ ये बिजनेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, आपकी और हमारी, एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री has the responsibility to protect the environment। जो हमारे बस में है वो हमें करना चाहिए environmental protection के लिए, लेकिन क्योंकि हमने arguments in favor of social responsibilities में यही पढ़ा है कि business के ऊपर एक भारी भरकम responsibility होती है environmental protection की, क्योंकि business जो है वो society के बहुत सारे resources का इस्तेमाल करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो बिजनेस की वजह से ही क्रिएट होती हैं, इसलिए बिजनेस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प करे। तो एक अच्छा बिजनेस किस तरह से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली लिख दिए हैं, उनकी हेडिंग्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने पास राइटिंग में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट few points or four points about the steps taken by the business for environmental protection or the role of the business in environmental protection and so on। तो 6-7 steps यहाँ पर NCERT की language से मैंने लिखे हैं, इसी तरह की language में आप लिखेंगे और जो keywords हैं उन्हें underline कर देंगे। तो सबसे पहला point देखिए बच्चों, commitment by the top management to create, maintain and develop the work culture for the environmental protection। किसी चीज की भी शुरुआत जो है ना वो अपने से ही होती है। तो अगर बिजनेस चाहता है कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट करे, तो जो उस बिजनेस की मैनेजमेंट है और खासतौर से जो टॉप मैनेजमेंट है, उसको ये मैसेज देना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा कमिटेड हैं टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वो जो टॉप मैनेजमेंट है वो खुद से ही कुछ ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करे, वो खुद से ही ऐसा वर्क कल्चर मेंटेन करे या डेवलप करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे हर एक को ये क्लियर मैसेज मिल जाए कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही प्रो है फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, एंश्योरिंग दैट द कमिटमेंट इज शेयर्ड थ्रू आउट द एंटरप्राइज। और फिर टॉप मैनेजमेंट के बाद मिडिल मैनेजमेंट होती है, लोअर मैनेजमेंट होती है और फिर वर्कर्स होते हैं। तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ये मैसेज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से वेल इंफॉर्म्ड होना चाहिए कि हमारी टॉप मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड है टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो हमें भी सारे स्टेप्स लेने हैं टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये मैसेज बिल्कुल प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए
टॉप मैनेजमेंट का कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन चाहती है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, अरेंजिंग वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स विद द सप्लायर्स, डीलर्स एंड द कस्टमर्स। अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बिजनेस बहुत सारी ट्रेनिंग भी दे रहा है अपने वर्कर्स को, उनको कम्युनिकेट भी कर रहा है, उनके साथ बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर भी कर रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर रहेंगे और बाहर के लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, तो इसका मतलब कि जो स्टेप्स हैं वो कन्फाइंड बाउंड्रीज है। तो हर बिजनेस को क्या करना चाहिए या हर बिजनेस क्या कर सकता है कि उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए दूसरे लोगों को भी। दूसरे लोग कौन हो गए? सप्लायर्स, डीलर्स एंड कस्टमर्स। उनको भी ये बताएं कि जो प्रोग्राम्स हम अंडरटेक कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो कितने सक्सेसफुल हैं, उससे उनको क्या फायदे हो रहे हैं, और दूसरे लोग भी उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करके किस तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं, या जो वर्कर्स हैं उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देना, अगर उनके यहाँ कोई टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई तो उस टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन दूसरे बिजनेसमैन के साथ शेयर करना विद द हेल्प ऑफ वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ऐसा भी हर बिजनेस कर सकता है फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। फोर्थ पॉइंट लिखा, पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। देखो बच्चों, किसी भी चीज का जो रिजल्ट है या आउटकम है उसी से पता चलता है कि वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है या नहीं है। अगर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना लें लेकिन उन प्रोग्राम्स को हम असेस ही ना करें कि उसमें कितना खर्चा हो रहा है, उससे कितना फायदा हो रहा है, तो वो सारे प्रोग्राम्स ही बेकार हैं। तो जिस तरह से हर प्लानिंग का असेसमेंट होता है, तो इसी तरह से हर बिजनेस अगर कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स बना रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें इंप्लीमेंट कर रहा है, दूसरों को उसके बारे में बता रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए कि पीरियोडिक वो अपना पीरियड खुद डिसाइड कर सकता है, एनुअल हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, कि वो पीरियोडिक असेसमेंट करता रहे कि इन प्रोग्राम्स की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, इन प्रोग्राम्स पे जो खर्चा किया जा रहा है उससे फायदा कितना हो रहा है। क्योंकि जब बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है तो डेफिनेटली उससे उसके बहुत सारे कॉस्ट भी सेव होते हैं। अगर कोई वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जो कि एक्सपेंसिव है लेकिन इको फ्रेंडली है, लेकिन फास्ट प्रोडक्शन दे रही है और उससे उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वो जो कॉस्ट है उस टेक्नोलॉजी का वो उसके सेल्स टर्नओवर से कवर अप हो जाएगा। तो पीरियोडिक असेसमेंट बहुत ही जरूरी है अबाउट ईच एंड एवरी प्रोग्राम दैट द बिजनेस इज अंडरटेकिंग फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और डेफिनेटली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ज्यादातर बिजनेस को यही पता लगता है कि बेनिफिट ज्यादा हो रहे हैं उन प्रोग्राम्स के और कॉस्ट जो है वो उनका कम लग रहा है। फिर उसके बाद डेवलपिंग द क्लियर कट पॉलिसीज ऑन द प्रोग्राम्स फॉर द परचेज ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर द वेस्ट डिस्पोजल एक्सेट्रा। तो जब बिजनेस ये पीरियोडिक असेसमेंट्स करता है ना, तो उसको ये पता लग जाता है कि फ्यूचर में हम क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करें, किस तरह के रॉ मटेरियल्स हम बाहर से खरीदें, किस तरह की प्रोडक्शन टेक्निक्स हम यूज करें, किस तरह की साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए क्या मेथड्स यूज किए जाएं जिससे पॉल्यूशन जो है वो पूरी तरह से चेक हो जाए या पॉल्यूशन लेवल्स कम हो जाए। तो ये जो क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं ये भी बिजनेस को लगातार डेवलप करने चाहिए फ्यूचर के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। फिर उसके बाद कंप्लाइंग विद द लॉज एंड द रेगुलेशंस एंड द एक्ट्स दैट आर फ्रेम्ड और इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एक्ट्स हैं, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, इतने सारे एक्ट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट फ्रेम करती रहती है और उनका कंप्लायंस जो है वो बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है। तो हर बिजनेस ये इंश्योर करे कि जो भी सरकारी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो उनको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, उसका कोई उल्लंघन वो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट,
पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बिजनेस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस माने ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट का साझेदार बने कि वो किस तरह से उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरे समाज में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव ले रखा है कोई भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए तो उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेशन होना चाहिए, खासतौर से उन बिजनेसमैन का जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और जो कि एक इम्पैक्ट रखते हैं सोसाइटी पर। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान से अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसके लिए जो रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, तो बहुत सारे जो बिग बिजनेस हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय गिविंग द डोनेशंस, बाय गिविंग ट्रेनिंग टू द पीपल एंड एनी अदर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट दे कैन मेक। तो ये सारे बच्चों वेरियस स्टेप्स हैं। आई होप इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है कि किस तरह से एक बिजनेस जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भागीदार बन सकता है। और बहुत सारे बिजनेस हैं ऐसे जो ऑलरेडी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेस बनाकर आप अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट every business which has a turnover exceeding a particular limit has to contribute towards the social responsibilities of the business। तो इसीलिए बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं जाके गूगल पे, टॉप 10 बिजनेसेस विच आर कंट्रीब्यूटिंग हाउ मच ऑफ द अमाउंट दे आर स्पेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीज। रिलायंस, इंफोसिस, HDFC, दे आर स्पेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीज towards the social responsibilities। और companies act में ही ये define किया गया है कि किस तरह की activities जो है वो business की वो social responsibilities में contribution मानी जाएंगी। तो इस तरह की informations आप और भी Google से, net से collect कर सकते हैं ताकि आपका interest और develop हो कि क्यों एक business को socially responsible होना चाहिए और किस तरह से business जो है वो environmental protection में help कर सकता है। So business ethics and the elements of business ethics we are going to cover up next time। With that we are going to end the chapter। So I request you again ki sari videos jo hain wo chapter 6 se related aur chapter 5 se related khas taur se sari videos dekh daliye jaldi se jaldi kyunki jaise hi chapter khatam hoga hum chapter 5 aur 6 ke combined question and answers karenge kyunki un dono chapters ki combined weightage 10 number ki hai। So see you next time with another topic। Till then goodbye, stay healthy and connected।